गुरुग्राम इस अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों को जागरूक करते हुए उन्हें बैग आवंटन का तीसरे दिन कार्यक्रम यहां हीरो होंडा चौक के पास राजलैंड स्कूल में आयोजित किया गया। यहां बच्चों को पर्यावरण, स्वच्छता और फिटनेस के प्रति पहले तो संदेश देकर जागरूक किया गया, उसके बाद उन्हें बैग वितरित किए गए। राजनीति के साथ अपनी सामाजिक भागीदारी का निर्वहन करते हुए बीजेपी जिला सचिव एवं समाजसेवी नवीन गोयल इस अभियान को व्यापक पैमाने पर ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को उन्होंने रॉसलैंड पब्लिक स्कूल में जाकर बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जागरूक किया। नवीन गोयल ने शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि किसी भी सामाजिक मुहिम के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, तभी उस काम को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। जागरूकता के साथ हमें उस काम के लिए गंभीरता भी दिखानी होगी ताकि वो काम तेज गति से हो सके। उनका मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूक करके उसके प्रति जनता को गंभीर करना है ताकि हर व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर इस अभियान को पूरा करें। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान भी बताए। तीनों मुद्दों पर उन्होंने स्कूल के 1400 बच्चों व स्टाफ के बीच अपनी बात को प्रमुखता से रखा, साथ ही बच्चों को शपथ दिलाई कि वे जीवन में इस प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं रोजलैंड स्कूल की पूरी मैनेजमेंट को, श्री वाई पी गोयल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और ये बधाई के पात्र हैं कि यहाँ पर इस स्कूल में स्पेशल तौर पर सफाई को लेकर के और पॉलिथीन को यूज ना करने लेकर के पहले से लेक्चर भी है और बच्चे बड़े जो मोटिवेटेड हैं और इस पर प्रॉपर इन्होंने काम कर रखा है। और हमने सबसे सलाह करके ये प्लानिंग की कि इसको हर घर तक पहुँचाया कैसे जाए, तो ये स्कूलों के माध्यम से, क्योंकि हर घर से बच्चा स्कूल में कॉलेज में जरूर आता है। तो मैं पूरी स्कूल का धन्यवाद दोबारा करता हूँ कि गुरुग्राम को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए सबने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस मुहिम में आपके साथ हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जो हम एक मैराथन कर रहे हैं आने वाले टाइम में प्लास्टिक को यूज़ ना करने के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करने, तो सर ने हमें आश्वासन दिया कि हम वहाँ पे स्कूल लेकर के पहुँचेंगे। हमारे जीवन में माँ बाप के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो गुरुओं का स्थान होता है और गुरुओं का स्थान तो माँ बाप से भी ज़्यादा होता है। दिशा देने का काम ही गुरु करते हैं। मैं आज टीचर्स डे पे सभी टीचर्स को बधाई देता हूँ, उनको नमन करता हूँ और सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने लेक्चर में एक लेक्चर रोज़ 2 मिनट का 3 मिनट का 4 मिनट का ये चीज़ ज़रूर डाल दें, क्योंकि ये चीज़ हमारे आम जन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे गुरुग्राम की एयर जो है बहुत पोल्यूटेड हो गई है और अगर हमें साफ हवा में जीना है और अगर हमारे, जब तक हम शहर को साफ सुथरा और हरा भरा नहीं बनाएंगे तो ये संभव नहीं है और इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी गुरुग्राम वासियों को कि आप लोग जिस हिसाब से साथ आ रहे हैं साथ बनाए रखें और इसको अपनी आदत में डाल लें कि हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे और पौधे ज़रूर लगाएंगे। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन वाईपी गोयल ने भी आश्वासन दिया कि उनके स्कूल में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन रहेगा। वे बच्चों के साथ अभिभावकों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। गुरुग्राम से गोविंद तंवर के साथ वीना चौहान की खास रिपोर्ट।